आज का डेली ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं और आज बाल वगैरह बहुत खराब हो रहे हैं। अभी मैं आया हूँ फिलबक सुबह नाश्ता लेकर, तो आप देख सकते हो आज फिर से कचौरी का नाश्ता कर रहे हैं और चाय वगैरह बन रही थी तो बस चाय वगैरह ले ली। ठीक है, अभी सब नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि जस्ट अभी उठे थे और फिर नीचे जाके मैं नाश्ता वगैरह लेकर आया। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 2-3 दिन से अपसेट था, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। तभी आप देख पा रहे हो कि मुझ में इतनी एनर्जी है, वरना तो मैं बहुत ज्यादा सुन हो चुका था कि अब क्या होगा। तो सब कुछ फाइन हो चुका है और अभी फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि कैसे वो चीज फिक्स हुई। अगर किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम आए तो वो कैसे इसे फिक्स कर सकता है। चलो एक बाइट लेते हैं। बाइट ये आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे दमतल के पास की कचौरी बहुत ज्यादा पसंद है और वही लाया हूँ आज भी। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस नाश्ता वगैरह बिल्कुल हो चुका और अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 4:30 बज रहे हैं दोपहर के। ठीक है, और अभी जस्ट मैं अपना काम ही कर रहा था और सारा काम वगैरह सब कुछ निपटा दिया। बस ये लास्ट वीडियो है जो जाने वाली है माय लाइफलाइन के ऊपर। 2 दिन से कोई वीडियो नहीं जा रही क्योंकि लिए कोई वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और 2 दिन पहले जो मैंने आपको बताया था कि मैं काफी ज्यादा अपसेट था, तो उससे 2 दिन पहले भी जो है वो कंटेंट बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर गया। तो अब कोशिश करेंगे कि वापस डेली हो पाए क्योंकि लिए अब दोबारा से हमारा बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है। तकरीबन 4-5 दिन हो गए कोई भी माय लाइफलाइन पे वीडियो नहीं गई। तो अभी का सीन ऐसा है दोस्तों कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं टेंशन फ्री कैसे हो गया। तो पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी यूट्यूब टीम से बात चल रही थी और यकीन मानो यूट्यूब टीम जो सपोर्ट टीम होती है, ठीक है, जो कि चैट से आती है, उनको कुछ भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होती चीजों की। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मेरा अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड हो गया है, वो मुझे कह रहे हैं कि एक टाइम पीरियड होता है 30 दिन से लेकर 90 दिन का और उसके बीच में आपका चैनल खुल जाएगा। ये बात सच है कि टेम्परेरी जब सस्पेंड होता है तो उसमें 30 से लेकर 90 दिन का मतलब गैप होता है और उसके अंदर ही आपका चैनल जो है वो वापस मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अब मेरे साथ जो हुआ था वो बिल्कुल अलग चीज थी। मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे वेरिफिकेशन के लिए जो है वो एक ईमेल आया था जिसमें उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट नंबर, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें मांगी थी। तो जब मैंने उन्हें वो सबमिट कर दी तो उसके बाद सुबह को आई थिंक शायद 7 बज रहे थे और माय लाइफलाइन जो है वो जॉब पे जा रही थी। तो अचानक से मैं उठ गया तो मैंने अपना मोबाइल उठा के देखा तो मुझे एक ईमेल आया हुआ था हेडसेंस की तरफ से कि आपके अकाउंट को रिलीज कर दिया गया है। तो जैसे ही मैंने आके फौरन कंप्यूटर खोल के चेक किया तो वाकई मेरा अकाउंट जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड से हट चुका था। क्योंकि ले हुआ ये था कि उससे 3-4 दिन पहले ही मेरी पेमेंट जो है वो नहीं आई थी। याद है मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मेरी पेमेंट इस बार बहुत लेट हो गई है। तब मैंने यूट्यूब टीम से बात की थी और वो भी आपको बताया था कि यूट्यूब टीम ने कहा कि आ जाएगी, कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाती है। तो उसी बेस के ऊपर इन्होंने मेरा अकाउंट जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया था ये देखने के लिए कि ऑनर वाकई में खुद है या फिर नहीं। मतलब ये सारी जो भी वेरिफिकेशन थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो सब खत्म हुई और फिर दोबारा से जो है वो मेरा चैनल बिल्कुल ठीक हो चुका है। ठीक है, और उसके ऊपर मैं वीडियोस भी डाल रहा हूं 2 दिन से। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, बस मैं अपना काम निपटा रहा था। अभी माय लाइफलाइन भी आने वाली होगी, टाइम हो चुका है उसका और वो 5 बजे तक आ जाती है। तो वो जैसे ही आती है उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस माय लाइफलाइन आ चुकी है। ठीक है, कभी से आ गई थी। हाँ, कभी से आ गई थी और टाइम पास कर रही थी। आज भी मुझे बोलना पड़ा कि भाई ब्लॉग कर लो, क्यों खाओ का सा ब्लॉग कर लो आगे तो जॉब से है? है क्या? मैंने कहा ये देखो, इसने मेरी चेयर भी तोड़ दी। ये देखो चेयर का हाल। मैंने नहीं तोड़ी, झूठ बोलता इसी ने तोड़ी है। इसका वजन असल में ना बर्दाश्त नहीं कर पाई। खाओ मेरी कसम। क्या मैंने तोड़ी? खाओ मेरी कसम। खाने का नहीं है, मेरे को भूख नहीं लगी। इतना तो सबको ही पता है कि मेरा वजन इतना नहीं है कि मेरी चेयर तोड़ दे। चेयर भी बनाने जानी पड़ेगी। तो भाई आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? मेरा आज का दिन सही से गया, इतना अच्छा नहीं गया। क्यों? अच्छा गया, एक गुड न्यूज भी मिली। ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी जब हो जाएगी। अभी बता दूंगी तो फिर कसा नहीं कैंसिल हो जाए। हाँ ये बात तो है, क्योंकि अगर मेरे पेट में नहीं आ रही थी, मैं तो आदिक को भी नहीं बताऊं। लेकिन आदिक को बता दी। लेकिन वो पेट में थी ना, वो क्रेविंग
क्रेविंग होती है, खारिश, पेट में वैसे ही इतना कुछ भरा पड़ा है। अरे आपका पेट नहीं, मेरा पेट है स्लिम बिल्कुल, वो नहीं बोलते रोड बिल्कुल सीधा बनाया, हड्डी हड्डी सीधा, स्ट्रीट रोड, हड्डी हाईवे, और ये ना वो स्पीड ब्रेकर, मेरा स्पीड ब्रेकर है आई नो, मेरा हाईवे, लेकिन नहीं तुम्हारा हड्डी। गाइस आप लोग ने वाली बस ट्राई करी जो नहीं, आज इसकी ओपनिंग हुई है, ग्रीन लाइन ना, ग्रीन लाइन ना, मैं जाऊंगी उसके अंदर, मैं इस्लामाबाद में चढ़ा था ग्रीन लाइन में, जब मैं घूमने गया था, नहीं एक बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में मैं गया था घूमने के लिए और पाकिस्तान टूर के लिए गया था। हाँ, और सीन क्या हुआ, मैं जैसे ही ग्रीन लाइन में घुसा और वहाँ पे इतना रश था, मतलब भाई पांव रखने की जगह नहीं थी, और हमारे कराची के अंदर तो बनी नहीं थी, तो मुझे क्रेज हुआ कि चलो यार इस्लामाबाद की ग्रीन लाइन जरा ट्राई करें। तो जब मैं वहाँ पे किया, तो वहाँ पे पहले तो मैं घुस के, मतलब अंदर घुसा ना फुल धक्के वक्के देके, तो जब मैं अंदर चला गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे बंदा लूट रहा है किसी को, और मतलब खुलेआम जो है वो गन उसके ऊपर रख के और चीजें ले रहे, और इतना रश, तुमने सबसे गलत काम किया। और मैंने क्या किया कि फिर मैंने नेक्स्ट स्टॉप जैसे ही आया ना, मैं फौरन वहीं पे उतर गया। तुमने उस वक्त फौरन 99 पे कॉल करनी चाहिए थी। 99 पे वो क्या है नंबर? 99 की एम्बुलेंस नहीं, क्या 125? क्या 125? नहीं क्या 125 तो बाइक है, क्या है नंबर, मैं कुछ भूल गई। 15 पे कॉल करने से कुछ नहीं होता, उनको पहले से सब पता होगा कि क्या काम हो रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर कोई वारदात नहीं सकते। अपने शहरी होने का फर्ज निभाना चाहिए था राजे, और मुझे लड़ाई करनी चाहिए थी, नहीं, लड़ाई और मुझे नहीं। शहीद हो जाना चाहिए था, लड़ाई है ना? नहीं। तो अपने शहरी होने का फर्ज निभा के एटलीस्ट पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। भाई वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ग्रीन लाइन में चेकिंग इतनी थी कि मतलब मान ही नहीं सकता कि कोई चोर अंदर घुस सकता है, सही है? क्योंकि जब आप वहाँ पे जैसे ही जाते हो ना, तो वहाँ पे रेंजर्स खड़ी है जो आपकी चेकिंग करती है, ठीक है? उसके बाद लेकिन आपको पता है, अभी जो हमारे यहाँ ग्रीन लाइन बनी है, उसमें फ्री वाईफाई है, वो वाली चेयर है जो लिफ्ट वाली, लिफ्ट वाली चेयर बोल रही हूँ, तो क्या बोल रही हूँ मैं, कौन सी चेयर? सीरिया सीरिया लिफ्ट वाली चेयर, मैं खुद हैरान हो गया, मैंने ये ग्रीन लाइन बनाई है पहाड़ों पे कोई वो बनाई है, चेयर बोल रही मैं जाऊंगी, और मैं आपका भी ब्लॉग करूंगी कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा ग्रीन लाइन में। हाँ देखते हैं कैसा रहा, मुझे तो यहाँ पे भी मुझे वही लग रहा है जो और उधर पता है, यहाँ तक के ना मशीन भी लगी हुई थी कि वेपन जहाँ पे स्कैन होता है ना, जहाँ पे मोबाइल वगैरह सब निकाल के अंदर जाते हैं, तो वो भी लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी असला कैसे अंदर आ गया और कैसे मतलब वो वारदात हो रही थी, आप खुद सोच सकते हो, कोई ना कोई मिलावा ही होगा, उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, है ना? मेरा कराची बहुत अच्छा है। हमारा कराची, मैं भी कराची गई हूँ। आप कराची के हो? जी, मुझे तो लगा लिया। आज इमरान खान साहब का इंटरव्यू वो आया था किताब, फिर क्या कहा कराची, उसके अंदर वो कह रहा था, मुझे तो लगता है लियारी के हो। क्या आपने बोला मैं कराची का हूँ, मतलब मुझे तो लगता है लियारी के हो। उनका किताब आया था, हाँ मुझे पता है, तुम आयशा मंदिर की है। उसका किताब आया था इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो मेडिकल मतलब इंश्योरेंस दे, इंश्योरेंस स्टार्ट कर दिया इमरान खान ने, किस चीज़ का? सारी फैमिलीज को जो है ना, वो तकरीबन आई थिंक 2-2 लाख या 3-3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होगा, और मेडिकल वगैरह सब करवा सकते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट को भी मतलब अपील की है उन्होंने। कुछ नहीं मिलने वाला, पहले भी कौन था किसी को कुछ मिला है जो इमरान खान ने वो वाला, नहीं खैबर पख्तूनख्वा में मिला है, खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट कर दिया था, और वहाँ पे लोग मेडिकल ले भी, कार्ड भी बन चुका है उनका, और पंजाब के अंदर भी ये चीज शुरू हो चुकी है, सिर्फ एक सिंध ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे ये स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। सिंध में बहुत सारी ऐसी पार्टीज भी है ना, यही तो मसला है ना, यही तो मसला है, बस अब रहम आ जाए सिंध गवर्नमेंट को हमारे ऊपर, तो हमें भी ये चीजें शुरू कर दे। मुराद अली शाह, मुझे तो पता भी नहीं है कौन है, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स नहीं पसंद, ये है नौजवानों का हाल। नहीं नौजवान लो भाई, तो कोई सेलिब्रिटी है जो हम उनके बारे में पता रखें? बिल्कुल, आपकी करंट नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए भाई, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इन चीजों से। वोट दोगे? वोट तो हमने पहले जिसको दिया था उसी को देंगे दोबारा, और ये बात तुम भी जानते हो कि हमने किसको दिया था, है ना? तो बस मैं तो दुआ करता हूँ कि सिंध में भी बहुत जल्द वही आ जाए जिसको हमने वोट दिया था। ये तो सभी दुआ कर रहे हैं, सबको पता है कि हमने किसको वोट दिया था। सही बात है, तो चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी तुम क्या कर रही हो? अभी मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी क्यों? मसूर की बिरयानी नहीं। हाँ मम्मा ने मसूर की बिरयानी बनाई है कल से दोपहर में भी खाई, रात में भी खाई और अभी भी खाई, लेकिन नो डाउट मुझे अच्छी लगती है, तो मैं मुझे भी अच्छी लगती है, मेरे लिए बनाई थी, पर बस अब ये मैगी खाई, मैं मुट्ठी अभी खा सकती हूँ। हाँ मुट्ठी भी पड़े, चलो तो अभी ये खाना वाना खा लेती है और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आज हम लोग जाने वाले, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं आज? हम शॉपिंग जाएंगे और शर्ट वगैरह ले जाएंगे। हाँ और मेरी भी शॉपिंग होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, रात के थोड़ी होगी, खाली खाली पीली, और इसी महीने
आपको पता होगा ब्लॉग में मैंने दिखाया था कितना खर्चा करा दिया था शॉपिंग में। तो शादी करके सच्ची में अजान हो रही है, गाने नहीं गाओ। चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, अभी टाइम क्या हो रहा है, तकरीबन 8 बज रहे हैं, ठीक है। हाँ 8 बजने में 10 मिनट कम है। और हमारा जाना था नीचे का प्लान, मतलब हमें जाना था आज कुंसू वगैरह पीने और तो शॉपिंग वगैरह करने, शायद रात में जाएंगे लेट नाइट, लेकिन शॉपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि शॉप बंद हो जाएगी। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ फिर लोग डैडी के साथ कुछ थोड़ा काम वाम निपटाने, तो फिर आता हूँ तो फिर आप लोगों से मिलता हूँ। जब तक माई लाइफ लाइन ब्लॉक करेगी करेगी ना, तो मेरे साथ ये लोग आलू के पराठे बनाएंगे। हाँ तो इनके साथ मिलके आलू के पराठे खा लो, खाएंगे तो बनाएंगे थोड़ी, तो बनाएंगे भाई, बनाना ही तो मुश्किल है, खाना तो इजी है, बनाना मुश्किल है, बनाने भी तो गुस्सा होता है, खाना तो दबा दब। चलो तो मैं आता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस हम लोग आलू के पराठे बना रहे, जैसे आपको बताया था हम लोग ने, अभी हमने इसको मैच कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है पूरा। पहले आलू बॉईल किए, फिर सारे मसाले डाले, तब मैं भूल गई थी ब्लॉग करना। और ये मम्मा ने ये भी बनाया था मैदा, पहले बना के रख दिया था ताकि थोड़ा मैरिनेट हो जाए, फूल जाए ना ये, इसीलिए इसको और कुछ करना है मम्मा। ये हो गया है, ये आलू के पराठे देखते कैसे बनते हैं, क्योंकि हम लोग बाकी खाना खा के बोर हो गए थे। ये कर दीजिए आटा मैच, पराठे भी अभी बना के रखोगे? चाँदिया बना के रख लेंगे, ये लोग आएंगे फिर बनाएंगे। तो अभी बस पराठे बन रहे, अभी बनेंगे नहीं, खाली उसके वो क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल पेरे पेरे बना के रख देंगे और फिर वो बनेगा पराठे। तो गाइस अभी फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ और अभी हो रहे हैं 11:15, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी तो शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी खाना बन गया है और लगी है भूख, तो मैं आपको दिखाता हूँ आलू के पराठे। एक तैयार हो गया, ये है आलू के पराठे, अभी लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। चलो क्या क्या तो भूख लगी है मुझे, तुम्हें वेट कर रहे हो तो चलो आओ खावे ना।